हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो। आलू के अगेती झुलसा और पिछेती झुलसा रोग में अंतर। अर्ली ब्लाइट डिजीज, जिसको कि हिंदी में अगेती झुलसा या अगेती अंगमारी रोग कहते हैं, ये जनरली ठंडे एवं गर्म दोनों इलाके में कॉमनली पाया जाता है। लेट ब्लाइट डिजीज़, जिसको हिंदी में पिछेता झुलसा या पिछेती अंगमारी कहते हैं, ये डिजीज़ जनरली कूलर और वेट एरियाज़ में पाया जाता है। जब कूलर और वेट एरियाज़ होते हैं और इसके साथ में बदली छाई रहे, तो लेट ब्लाइट डिजीज़ का एपिडेमिक होने की संभावना बढ़ जाती है। अर्ली ब्लाइट डिजीज़ लेट ब्लाइट डिजीज़ से जल्दी आती है। ये जनरली बोने के 4 से 5 सप्ताह के अंदर आती है, यानी कि जब प्लांट बहुत यंग होता है तब ये अर्ली ब्लाइट डिजीज़ के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जबकि लेट ब्लाइट डिजीज़ अर्ली ब्लाइट के बाद में आती है और ये प्लांट ग्रोथ की किसी भी स्टेज पर दिखाई देती है और ये जनरली जनवरी के महीने में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। जो अर्ली ब्लाइट डिजीज़ है उसके धब्बे छोटे, बिखरे बिखरे, अकेले, फीके भूरे रंग के पत्तियों पर दिखाई देते हैं, जो बाद में डार्क ब्राउन से ब्लैक कलर के हो जाते हैं, जबकि लेट ब्लाइट डिजीज़ के धब्बे ब्राउन डेड स्पॉट्स, मतलब भूरे मृत धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। उन मृत धब्बों का एरिया बढ़ता चला जाता है जब तक कि लीव्स जो है मर ना जाए। ये डिजीज़, यानी कि लेट ब्लाइट डिजीज़, झुलसा रोग के मृत एरिया पत्ती के टिप पर और किनारे से, यानी कि मार्जिन से शुरू होता है, जो धीरे धीरे अंदर की साइड और पत्ती के नीचे की साइड को बढ़ते जाते हैं और उसके बाद दूसरे प्लांट पार्ट्स में ये एक्सटेंड हो जाते हैं। बाद में ये स्पॉट्स ब्राउन कलर के हो जाते हैं या पर्पलिश ब्लैक कलर के हो जाते हैं। इस तरह से हम समझते हैं कि अर्ली ब्लाइट में जो आलू की पत्ती पर धब्बे जो है स्मॉल आइसोलेटेड बिखरे बिखरे दिखाई देते हैं, वो कहीं भी होते हैं, लीव के अलग अलग पोर्शन में होते हैं, जबकि लेट ब्लाइट में ये धब्बे, यानी कि मृत एरिया बनते हैं, जो कि यहाँ से शुरू होगा या यहाँ से शुरू होगा, मार्जिन से या किनारे से, लीव के टिप से शुरू होगा या लीव के मार्जिन से शुरू होगा, जो यहाँ से एक्सटेंड होता जाएगा और इस तरह से ये पूरी की पूरी लीफ जो है लेट ब्लाइट से अफेक्टेड हो जाती है। उसके बाद ये लेट ब्लाइट के मृत धब्बे नीचे की तरफ पीटियोल की तरफ, इसके बाद स्टेम पर और नीचे की साइड बढ़ने लगती है। इसमें जब ये अर्ली ब्लाइट का धब्बा पुराना होता जाता है तो इसमें कंसेंट्रिक रिंग्स बनती हैं इस तरह से या इस तरह से। इस तरह की जो कंसेंट्रिक रिंग बनती है ये टारगेट बोर्ड इफेक्ट देते हैं, जो इस अर्ली ब्लाइट फंगस का करेक्टरिस्टिक सिम्टम है, जबकि लेट ब्लाइट के धब्बे में इस तरह की कोई रिंग प्रेजेंट नहीं होती है। अर्ली ब्लाइट के धब्बे में एक पतली क्लोरोटिक जोन, पीले रंग की जोन, जैसे कि मान लीजिए ये अर्ली ब्लाइट का धब्बा है तो इसके चारों तरफ एक पतली क्लोरोटिक जोन दिखाई देगी, जो ये जोन किससे बनती है, जो इसका पैथोजेनिक फंगस है उससे एक टॉक्सिन निकलता है, ये टॉक्सिन का नाम होता है अल्टरनेरिक एसिड, इसकी वजह से बनती है। ये टॉक्सिन जो नेक्रोटिक एरिया है उससे वेन के द्वारा सारे में दूर दूर तक फैल जाता है और पत्ती पे क्लोरोसिस कॉज करता है, क्लोरोसिस यानी कि हरी भिन्नता कॉज करता है, जबकि लेट ब्लाइट का जो धब्बा होता है उसमें येलो कलर का हेलो
पर्पल स्पॉट के चारों तरफ दिखाई देता है। अर्ली ब्लाइट का स्पॉट पैथोजेनिक फंगस की गहरी हरी नीली ग्रोथ के द्वारा कवर हो जाती है और ये ग्रोथ पत्ती की दोनों सतह पर दिखाई देती है, जबकि लेट ब्लाइट का जो धब्बा होता है उसमें ग्रोथ पत्ती की लोअर सरफेस यानी कि लोअर सरफेस पे दिखाई देती है और जहाँ धब्बा होता है उसी के नीचे वो फंगस की ग्रोथ दिखाई देती है जो वाइट और ग्रे कलर की होती है। अर्ली ब्लाइट की पैथोजेनिक फंगस अल्टरनेरिया सोलेनाई है, जो कि एक इनकम्प्लीट फंगस है। इनकम्प्लीट फंगस का मतलब जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अभाव होता है, इसमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जबकि लेट ब्लाइट की फंगस है फाइटोफ्थोरा इन्फस्टेंस, जो कि फाइलम क्रोमिस्टा के अंतर्गत आती है, ये ट्रू फंजाई नहीं है। अर्ली ब्लाइट की फंजाई का सब डिवीज़न ड्यूटेरोमाइकोटिना है, लेट ब्लाइट की फंजाई का सब डिवीज़न ऊ माइकोटिना है। लेट ब्लाइट में सेक्सुअल स्पोर ऊ स्पोर बनता है जो इसको अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइवल का काम करता है। ये हुए हमारे अर्ली ब्लाइट डिजीज़ और लेट ब्लाइट डिजीज़ ऑफ पोटैटो के बेसिक डिफरेंसेस। थैंक यू।